अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, ये फेस पैक लगाइए, आपका फेस एकदम दूध की तरह चमकने लगेगा और एकदम खूबसूरत और बहुत नेचुरल सा ग्लो देगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है ब्यूटी विद टिप्स में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे नए नए वीडियोज़ लाती रहती हूँ जो कि हमारे स्किन को, हमारे हेल्थ को, हमारे बालों को, स्पेशली हमारे बालों और हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा बनाती हैं। सो इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने ये दूध लिया है एक कंटेनर में। दूध मैंने ये कच्चा दूध लिया है, अगर आपके पास बॉयल दूध है तो आप उसको भी ले सकती हैं, अगर कच्चा दूध है तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी कॉफ़ी, मैंने नेस्कैफे का कॉफ़ी लिया है। कॉफ़ी आपको एक टेबल स्पून मिलाना है, अगर आप डेढ़ टेबल स्पून मिला दें तो भी अच्छा है, अदरवाइज़ अगर आप एक टेबल स्पून मिलाएं तब भी सही है। कॉफ़ी में बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि हमारी स्किन को फेयर, ब्राइटर और ग्लोइंग बनाता है। एज अ ब्लीचिंग की तरह हमारे फेस पे ये काम करता है। इसमें ब्लीचिंग एक्शन होता है जो कि हमारे फेस पे जो डेड स्किन सेल होता है उसको उतार के एकदम साफ कर देता है। अगर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स है तो उसको भी वो रिमूव करता है। सनटैन हो गया, फेस पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है तो सब भी दूर करता है। स्पेशली जिनके फेस में अगर झाइयाँ हैं, अगर वो इस रेमेडी को रेगुलरली मतलब अपने फेस पे अप्लाई करें तो उनका झाइयाँ जो है कम हो जाएगा धीरे धीरे और गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में इसमें मिला रही हूँ बेसन। बेसन हम इसमें थोड़ा अधिक मिलाएंगे क्योंकि एकदम पतला है, फेस पे लगाते ही एकदम जैसे रनी है पूरा फेस पे लगाते ही सरक जाएगा, जो कि बहुत ही इरिटेशन होता है इस चीज़ से कि पूरे बॉडी पे या फिर कपड़े पे गिरता है, तो थोड़ा गाढ़ा रहेगा ताकि बार फेस पे अच्छे से स्टिक हो जाए और वो नीचे ना गिरे। तो मैं इसमें बेसन और मिला रही हूँ ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें और बेसन मिलाऊंगी ताकि गाढ़ा हो जाए। हो सके अगर आपको एक ही दिन के लिए लगाना है, मतलब आप डेली अगर इसको बना सकते हो तो ठीक है, अगर आप इसको बना कर एक हफ्ते तक रखना चाहते हो तो इसको फ्रिज में रखना होगा, तो आप एक हफ्ते तक बनाना चाहते हो तो इस हिसाब से बना। और अगर एक ही दिन के लिए बनाना है, मतलब रोज़ रोज़ आप बना सकते हो, थोड़ा कम ही दूध लेंगे तब भी ये चल जाएगा। तो मैं इसको एक साथ 2 से 3 दिन तक बना रही हूँ, फिर उसके बाद में इसको दोबारा बनाती हूँ, इसलिए मैं इतना दूध ली हूँ। सो गाइस, मैं आपको इसको अब मैं अपने हाथ में करके दिखाती हूँ किस तरह से हमें लगाना है। इसको लगा के हमें ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको लगा के हमें इसको स्क्रब की तरह अपने फेस पे पूरा मसाज करना है, जिससे हमारे फेस का जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव होकर हमारा फेस एकदम फ्रेश और न्यू, एकदम फेस हमारा चमकने लगे, गोरा हो जाए। इस फेस पैक को लगाइए, मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इसको डेली लगाएंगे, एक हफ्ते लगा कर देखिए डेली, आपका फेस अगर ना चमकने लगा तो कहिएगा, पार्लर से भी ज़्यादा ग्लो इस फेस पैक से आएगा, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। छठ आ रहा, दिवाली आ रहा, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा है। इसको बनाना बहुत आसान है, आप सर्दियों में भी इसको ईजिली लगा सकते हैं। बहुत तामझाम वाला मैं रेमेडी नहीं बताती हूँ, मैं ऐसा बताती हूँ जो अगला इंसान लगा ले, क्योंकि मैं खुद इतना तामझाम वाली चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, मैं वही करती हूँ जो मैं खुद लगा लूँ और दूसरों को भी वही बताती हूँ। उसके बाद देखिए, मैंने 5 मिनट तक इसको मसाज किया था, आपको 10 मिनट तक करना है। मैं वीडियो में अगर मैं पूरा करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बीच में कट कर दी हूँ ताकि मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा सकूँ जल्दी से, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो लोग कोई आजकल इतना खाली नहीं बैठा कि कोई इतना लंबा वीडियो देखे, तो हमें उतना ही वीडियो बनाना चाहिए जो अगला देख भी ले और पूरा समझ भी जाए। एंड गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो जो मैं बनाती हूँ अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है पीछे, बच्चे शोर मचा रहे हैं, सॉरी।